This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फ्री आरडीपी में आपको 16 GB की रैम मिलेगी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो AMD का आपको प्रोसेसर मिल रहा है, और जो विंडोज सर्वर है वो आपको सामने यहाँ पर देखे 2025 है, यानी कि लेटेस्ट आपको विंडोज सर्वर देखने को मिल रहा है। यकीन करें, इस फ्री आरडीपी को यूज करने में ऐसी ही फील आती है जैसे आप एक पेड आरडीपी को यूज करते हो, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ये भी आपके सामने इस फ्री आरडीपी के अंदर मैंने एक्सटर्नल अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मतलब बताने का ये है कि आप इस फ्री आरडीपी के अंदर अपनी मर्जी से भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो और उसको इजीली यूज भी कर सकते हो, ठीक है, कि इंटरनेट के हवाले से तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं मिलेगी। देखें, ऑलमोस्ट आपको 5 GB का इंटरनेट देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफी टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फ्री आरडीपी की वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोग यूट्यूब या गूगल में सर्च कर रहे हो हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी इन 2025 या 2026, या आप सर्च कर रहे हो गेट फ्री आरडीपी वीपीएस सर्वर, या आप सर्च कर रहे हो फ्री विंडोज आरडीपी कैसे बनाएं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस फ्री आरडीपी में आपको फुल एडमिन एक्सेस मिलने वाली है, विंडोज सर्वर मिलेगा और आपको सारी एक्सेस मिलती है ऐसे एक पेड आरडीपी की होती है। मतलब आप इस फ्री आरडीपी के अंदर जो भी विंडो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहेंगे सब कुछ आप कर पाओगे, और ये होगी भी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फ्री आरडीपी। आज की फ्री आरडीपी हम गिटहब के थ्रू बनाने वाले हैं, तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। और इस फ्री आरडीपी के अंदर आपको 16 GB की रैम मिलने वाली है। अगर आप लोगों को इस तरह का कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, यहाँ पर आपको बेइंतहा किस्म के फ्री आरडीपी के वर्किंग मेथड मिलेंगे जिनके थ्रू आप लाइफ टाइम के लिए फ्री आरडीपी क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा कंटेंट टाइमली देखने के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर मैंने आपको इस नोटपैड का लिंक प्रोवाइड किया है, आपने इस नोटपैड को डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने सबसे पहले गिटहब का अकाउंट बना लेना है अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट है और उसमें कोई इशू नहीं है तो आपने वही वाला अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपने यहाँ न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो आपको नाम सजेस्ट किया जा रहा है आप इसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिंपल क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना है। अब याद रहे, ये मेथड पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें जो रैम मिलती है वो आपको 8 GB की मिलती है, लेकिन जो आज मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ इसमें आपको 16 GB रैम मिलेगी। अब आपने क्या करना है, जब आप इस पेज पर आ जाओ आपने सिंपल सेटिंग पर आ जाना है, ठीक है। सेटिंग पर आने के बाद आपने यहाँ से सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में आना है और आपने एक्शंस पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पर क्लिक करना है और यहाँ आकर आपने इसको छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपने टेल स्केल सर्च करना है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने टेल स्केल मैंने सर्च किया, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर बना रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे लिंक मिल चुका है। स्पेलिंग आपको नजर आ रहे हैं, टेल स्केल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिंपल साइन इन विद गिटहब पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपने अपने अकाउंट को ऑथोराइज कर लेना गिटहब के साथ, तो यहाँ पर आपका जो टेल स्केल का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग क्या कहते हैं ऑप्शन मांगेगा, आपने उसको कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपल सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स पर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर देखिए पर्सनल के अंदर आपको कीज का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जनरेट ओथ की पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ भी नहीं छेड़ना आपने यहाँ पर, सिंपल ये आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है जनरेट की, आपने इस पर क्लिक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको ये पूरा की मिल चुका है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गिटहब वाली वेबसाइट में आना है और यहाँ सीक्रेट में आकर जो आपने कोड कॉपी किया वहाँ से वो यहाँ पर लाकर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ नेम वाली जगह पर लिखना है टेल स्केल ऑथ की, ठीक है। ये देख लें आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह आपने लिखना है, सारे कैपिटल वर्ड में लिखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने एड सीक्रेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एड सीक्रेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक आपकी रिपोजिटरी सीक्रेट एड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक्शंस पर जाना है। एक्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सेटअप वर्कफ्लो योरसेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक पैराग्राफ ऐड करना है जो आपने नोटपैड डाउनलोड किया, वहां पर जाने के बाद आपने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा, देन मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल हम कमेंट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन हम कमेंट चेंजेस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। हमारी YML की फाइल यहाँ पर आ चुकी है।
उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक्शंस पर जाना है। एक्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर देखें आपको आरडीपी का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर एक बार क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप देखें रन वर्क फ्लो का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और अगेन आपने ग्रीन कलर के रन वर्क फ्लो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें रन वर्क फ्लो हैज बीन सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड, तो आपने चंद सेकंड यहाँ पर वेट करना भी, देखिएगा यहाँ पर आपकी आरडीपी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल मैं आरडीपी पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर देखें सिक्योर आरडीपी का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पर ये स्टेप होना भी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ये एस्टैब्लिश टेल स्केल कनेक्शन के अंदर आपको ये लिंक मिलेगा, आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है और अपने जो आपका गिटहब का अकाउंट है आपने उसको अपने टेल स्केल के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा, देखें लॉगिन सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी चंद सेकंड आपने वेट करना है, आप अगेन वापस आओगे ना, देखिए ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए वेरीफाई आरडीपी एक्सेसिबिलिटी, ये वाला आपके सामने देखें लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर हमें सारी डिटेल मिल चुकी है हमारी आरडीपी की, हमारा आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन हमारी यहाँ पर आरडीपी लॉगिन नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है अभी हमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके लिए हमें सिंपल अपने गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने सिंपल टेल स्केल सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है, मैं सिंपल इसको सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर एक बार सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डाउनलोड टेल स्केल फॉर विंडोज, आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 MB की ये फाइल है, आपने सिंपल इसको सेव कर लेना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, सिंपल डाउनलोड में जाता हूँ, ये देखें ये वाली ये फाइल है, आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और अपने पीसी के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर ये कैसे लगेगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो ये आपके यहाँ से गायब हो जाएगा, ना तो यहाँ पर कोई आपको आइकन देखने को मिलेगा। आपने सिंपल यहाँ पर सर्च पर आना है अपने पीसी के और यहाँ पर आपने टेल स्केल सर्च करना है। जैसे आप टी लिखोगे तो यहाँ पर आपके सामने देखें ये ऐप मुझे मिल चुकी है, इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो वो फिर भी आपके सामने ओपन नहीं होगी, वो आपके ये देखें छोटा सा एरर होता है शो हिडन आइकन्स, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी वो जो सेटअप आपने इंस्टॉल किया वो यहाँ पर आ चुका है। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने अपने इस ऐप को अपने गिटहब के अकाउंट के साथ ऑथराइज करना है, उसके साथ इसको लिंक करना है। उसके लिए आपने सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको डिफॉल्ट ब्राउजर में लॉगिन के लिए ओपन हो जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारा गिटहब का अकाउंट ओपन नहीं है, इसने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट इसको ओपन कर दिया है, हमारी जो गिटहब की अकाउंट है वो हमारे दूसरे ब्राउजर में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम अपने उस ब्राउजर में ले जाएंगे जहाँ पर हमारा गिटहब का अकाउंट लॉगिन है और न्यू टैब ओपन करके सिंपल इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर दूंगा। देन हम साइन इन विद गिटहब करेंगे क्योंकि हमारा इस ब्राउजर के अंदर गिटहब का अकाउंट लॉगिन है, और उसके बाद सिंपल हम ऑथराइज टेल स्केल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम सिंपल इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चंद सेकंड आपने वेट करना है और यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली उसके साथ लिंक हो जाएगा हमारे सेटअप के साथ और हम यहाँ पर अपनी जो आरडीपी है उसको सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखें मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ और इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो हमारे सेटअप के साथ जो हमने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पीसी का नंबर वगैरह भी आ चुका है और यहाँ पर देखें सब कुछ हमारा जो काम है वो ओके हो चुका है। अब हमारी जो आरडीपी है वो रेडी टू यूज है। अब लॉगिन कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो यहाँ से इसका जो आईपी एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने सिंपल सर्च में आना है और यहाँ से आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्च करना है और इसको यहाँ पर ओपन करके आपने सिंपल अपना आईपी एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ से आपने कनेक्ट पर क्लिक नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने शो ऑप्शंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने मैनुअली देखें यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है वो आरडीपी है। ठीक है, मेरा भी आरडीपी है, आपके पास भी जो यूजर नेम होगा वो आरडीपी ही आएगा। आपने सिंपल आरडीपी लिखना है, आरडीपी लिखने के बाद आपने ये नीचे आपको बॉक्स नजर आ रहा है आपने सिंपल इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट करने से पहले आप ऐसा करें कि अपना जो पासवर्ड है उसको आपने कंप्लीट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको कनेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने इस बॉक्स को भी चेक कर देना है ताकि आपको अगेन इसके अंदर जो डिटेल है वो ना ऐड करनी पड़े। मैं यहाँ पर सिंपल कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो RDP है यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ पर इसको चेक करूंगा और यस पर क्लिक करूंगा और हम यहाँ पर जो अभी पासवर्ड हमने कॉपी किया है वो कीबोर्ड की मदद से हम कंट्रोल V करेंगे और सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे। देखें अगर आप लोगों ने इस तरीके से लॉगिन ना किया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया आपने सिंपल वैसे करना है और आपकी जो RDP है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि हमारी जो RDP है वो लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर आपके सामने देखें सब कुछ ओपन हो रहा है, इतना हमारी RDP प्रॉपरली ओपन हो रही है। इतना आप हमारी इस वीडियो को लाइक करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपने कमेंट करके वो प्रॉब्लम बतानी है। अगर ये RDP सक्सेसफुली आप क्रिएट कर लेते हो तो आपने डन का कमेंट लाजमी से करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारी जो RDP है वो सक्सेसफुली क्रिएट होकर हमारे सामने आ चुकी है। अब ये रेडी टू यूज है सर। अब आप इसके अंदर देखें प्री इंस्टॉल आपको फायरफॉक्स ब्राउजर मिल जाता है, प्री इंस्टॉल ही आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर मिल जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ और इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं भाई। अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रैम वगैरह चेक करवा देता हूँ, उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले सेटिंग में आने के बाद सिंपल हम इसको लास्ट में लेते हैं और अबाउट में चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फ्री RDP में आपको 16 GB की रैम मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो और यहाँ पर आप देख पा रहे हो AMD का आपको प्रोसेसर मिल रहा है और जो विंडो सर्वर है वो आपको सामने यहाँ पर देखें 2025 है, यानी कि लेटेस्ट आपको विंडो सर्वर देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपको स्टोरेज वगैरह चेक करवा देता हूँ। यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और दिस PC में जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 300 GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलती है जो कि आपका डाटा सेव करने के लिए इनफ है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम सिंपल यहाँ से अपना जो क्रोम ब्राउजर है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। सिंपल हम क्या करेंगे, डोंट साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल इस पर कोट इट पर क्लिक करेंगे। यकीन करें इस फ्री RDP को यूज करने में ऐसी ही फील आती है जैसे आप एक पेड RDP को यूज करते हो, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। सिंपल यहाँ से मैं पहले आपको लोकेशन चेक करवा देता हूँ इस फ्री RDP की। यहाँ पर सिंपल हम सर्च कर लेंगे माई IP एड्रेस लोकेशन, यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है। सिंपल इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से हम इस फर्स्ट वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें कौन सी लोकेशन मिली है इस फ्री RDP की। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो रीजन मिला है हमें इस फ्री RDP का वो है कैलिफोर्निया और जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि USA बेस पे हमें ये फ्री RDP मिली है। तो आप देख लें अगर आपको USA की फ्री RDP चाहिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो भी विंडोज की, और हर चीज की आपको इसके अंदर सहूलत है। अपनी मर्जी से आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ से स्पीड टेस्ट सर्च कर लेते हैं। देखें हमें फर्स्ट नंबर पर मिल चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम fast.com वाली उठाते हैं, ये जरा हमें अच्छा और क्विक रिजल्ट देता है। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा भी कि इंटरनेट के हवाले से तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं मिलेगी। देखें ऑलमोस्ट आपको 5 GB का इंटरनेट देखने को मिलता है। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर तकरीबन 4 GB तक गया था, अब ये 2.3 GB पर आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड है भाई। इसमें आपका जितना भी हैवी टास्क होगा ना, जो भी आपने हैवी फाइल डाउनलोड करनी होगी वो विद इन मिनट्स में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर IDM डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो सिंपल मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया और यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वेबसाइट ही मिल जाएगी, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डाउनलोड इंटरनेट मैनेजर पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर सेटअप डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। आपने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करके यहाँ देखें हमारा जो IDM है वो यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी हो चुका है। देखें यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एक्शन रिक्वायर्ड है तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से जो इसकी एक्सटेंशन है उसको इनेबल कर देता हूँ। देखें हमारे PC के अंदर जो हमारा सिस्टम है फ्री RDP का, उसमें IDM डाउनलोड मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ये भी आपके सामने इस फ्री RDP के अंदर मैंने एक्सटर्नल अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। मतलब बताने का ये है कि आप इस फ्री RDP के अंदर अपनी मर्जी से भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो और उसको इजीली यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन की RDP है, तकरीबन 6 से 7 घंटे इजीली आपकी एक बार क्रिएट करने पर चल जाती है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम भी फेस करना नहीं पड़ेगा। सेम वैसी फील करवाती है जैसे एक पेड RDP फील होती है, उतनी फास्ट है उतनी ही स्मूथ है। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो,
अगर आपने सक्सेसफुली आरडीपी बना ली है तो डन का कमेंट लाजमी करना है आपने, और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर यही वाली फ्री आरडीपी आप अपने मोबाइल में बनाना चाहते हो तो सिंपल आपने हमारे चैनल में जाना है, और वहां पर जाने के बाद आपने इस वाली वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही वाली फ्री आरडीपी मोबाइल में क्रिएट करना सिखाई है। मोबाइल के अंदर आपको विंडोज का मजा मिलेगा, मतलब के सेम आपको कंप्यूटर वाला हिसाब आपके मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी आप जाके लाजमी से देख लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।